फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए तीन आसान से घरेलू नुस्खे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन की समस्या एक आम हो जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि बारिश का मौसम वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के अनुसार होता है, इसलिए इस मौसम में ऐसे संक्रमण होने के खतरे बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन घरेलू उपायों के प्रयोग से आप फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली खुजली, जलन और चुभन से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पर आपने उन कौन सी तीन चीजों का प्रयोग करना है जिससे आप घर बैठकर ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसके कारण ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। लहसुन की कुछ कलियों को आपने पीस लेना है, पीसकर इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाना है। जहां आपको फंगल इन्फेक्शन है वहां पर आप लगाएं और आपको आराम मिल जाएगा, इससे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका फंगल इन्फेक्शन। नारियल का तेल आप लगा सकते हैं, यानी कोकोनट ऑयल। नारियल के तेल में एंटी फंगल गुण होते हैं और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं इसमें, इसलिए इस तेल को लगाने से स्किन पर होने वाले जो रैशेज होते हैं, खुजली, जलन होती है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको बस शुद्ध नारियल का तेल लेना है। शुद्ध नारियल तेल को आपने इन्फेक्शन वाली जगह पर दिन में 3 बार लगाना है। ऐसा करने से भी जो आपकी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो सही हो जाएगी। आप इसके लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी जो है स्किन को वो फंगल इन्फेक्शन से दूर रखती है। इसके प्रयोग के लिए आप हल्दी और शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें और खुजली या फिर रैशेज पर लगाएं। ऐसा दिन में आपने 2 बार करना है। आपको जल्द ही फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 उपाय जिनको आप आजमा सकते हैं और अपनी जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन नुस्खों को आजमाएं और अपने लिए फायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।